हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कौन से ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है? यहाँ चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा ताकि कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का वर्क होता है, सेल्यूलर मटेरियल्स का सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट और डिग्रेडेशन करता है। अब चलिए हम ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। ऑप्शन ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन्हें मॉडिफाई और पैकेज करता है। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेड करता है और वैक्यूल्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स। इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स इंक्लूडेड है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन या एटीपी सिंथेसिस करता है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स। इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूडेड है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।